प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं विषय भूगोल अध्याय 1 संसाधन का जो कार्य पुस्तिका का कार्य है उसको करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहा है तो मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। एक्टिविटीज़ 1 या क्रियाकलाप 1, नीचे तुम्हारे आसपास पाई जाने वाली कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं। तुम्हारे जीवन में इनके क्या क्या उपयोग हैं, प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखने हैं। सबसे पहले ये पानी है, पानी का उपयोग बताना है। पानी पीने के काम आता है, पानी सिंचाई के काम आता है। फिर ये एक पेड़ का चित्र दिया गया है। पेड़ के दो उपयोग क्या हैं, पेड़ से हमें वायु मिलती है, पेड़ से हमें छाया मिलती है। फिर ये हवा के बारे में बताया गया है, हवा के दो उपयोग, सांस लेने के काम आती है, पवन चक्कियों से विद्युत पैदा करने में काम आती है। ये गाय का चित्र है, गाय के दो उपयोग, गाय से हमें दूध मिलता है, गाय के गोबर से गोबर गैस उत्पन्न की जाती है। भूमि, भूमि के दो उपयोग, फसल उत्पादन के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। मनुष्य अपने आवास या घर बनाने के लिए भूमि का उपयोग करता है। पेट्रोल, पेट्रोल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। गतिविधि 1 भाग ख, इन चीज़ों के अलावा हम अपने जीवन में कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तुलना द्वारा उपयोग की जा रही किन्हीं 10 चीज़ों की सूची बनाइए। नाश्ता, सब्जियां, कपड़े, अनाज, कंघा, बर्तन, शहद, किताबें, विद्युत, बोतल। गतिविधि या क्रियाकलाप 2, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। ऊपर दिए गए कथन के आधार पर बताओ कि कौन सा संसाधन है और कौन नहीं, कारण भी बताओ। बंजर भूमि है, संसाधन नहीं है, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। चंद्रमा की जमीन है, ये भी संसाधन नहीं है, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। मरुस्थल का जो रेत है, इसका भी उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए संसाधन नहीं है। घर के बाहर रखी हुई जो रेत का ढेर है, ये संसाधन है, इसका उपयोग मकान बनाने के लिए किया जाता है। सूर्य का प्रकाश भी एक संसाधन है, इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है और फसलों के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष का एक सुदूर तारा, ये भी संसाधन नहीं है। यहाँ केवल सूरज का प्रकाश और घर के बाहर रखी हुई जो रेत का ढेर है, वही संसाधन है। ये दोनों संसाधन मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, तो ये संसाधन है। सूर्य का प्रकाश हमें ऊर्जा और रोशनी देता है और रेत का ढेर मकान में भरत करने के काम आती है और बजरी के रूप में मकान बनाने के लिए काम आता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश और रेत का ढेर संसाधन है। क्रियाकलाप 3 या एक्टिविटीज़ 3, पहले प्राकृतिक गैस को व्यर्थ समझ कर जला दिया जाता था। क्या उस समय प्राकृतिक गैस मनुष्य के लिए संसाधन थी? नहीं, उस समय प्राकृतिक गैस मनुष्य के लिए संसाधन नहीं थी और मनुष्य उस समय उसका प्रयोग भी नहीं करता था। वर्तमान संदर्भ में या वर्तमान समय में प्राकृतिक गैस को सिलेंडर में भरकर रसोई घर में इस्तेमाल हो रहा है। क्या अब प्राकृतिक गैस मनुष्य के लिए संसाधन है? हाँ, अब प्राकृतिक गैस मनुष्य के लिए एक संसाधन है, क्योंकि
रसोई गैस के द्वारा हमारा खाना पकाया जा रहा है। ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में जल का क्या उपयोग हो रहा है, इस चित्र में जल का उपयोग पीने के लिए हो रहा है, इस चित्र में जल का प्रयोग किस तरीके से हो रहा है, इस चित्र में जल का उपयोग विद्युत उत्पादन में हो रहा है, बिजली पैदा करने में हो रहा है, इस चित्र में भूमि संसाधन का उपयोग हो रहा है, भूमि संसाधन का उपयोग कृषि या खेती बाड़ी करने के लिए हो रहा है, इस चित्र में भूमि संसाधन का उपयोग कारखाने बनाने और उद्योग धंधे बनाने में हो रहा है। ये एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में व्यक्ति पुस्तक का क्या उपयोग कर रहा है, यहाँ व्यक्ति पुस्तक को खरीद रहा है, खरीद किस लिए रहा है, पढ़ने के लिए। इस चित्र में यह व्यक्ति पुस्तक का क्या उपयोग कर रहा है, इस चित्र में यह व्यक्ति पुस्तक को पढ़ने में उपयोग कर रहा है। उपयुक्त उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है, कोई वस्तु मनुष्य के उपयोग में आने के बाद संसाधन बनती है, ये सत्य है। समय के साथ संसाधनों के उपयोग में वृद्धि या बदलाव होता है, ये सही है, बदलाव होता है। पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं वे संसाधन है नहीं। स्थान या रूप बदलने के साथ संसाधनों के उपयोग में परिवर्तन हो जाता है, ये सही है, सत्य है। किसी एक संसाधन का उपयोग सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से होता है, नहीं, ये गलत है। पढ़ो और खुद बनाओ, नीचे विभिन्न संसाधनों के नाम दिए गए हैं और इनके चित्र बनाने हैं। हमें नदी का चित्र बनाना है, पेड़ का चित्र बनाना है, हाथी का चित्र बनाना है, यहाँ हमें हाथी का चित्र बना देना है, सड़क का चित्र बना देना है, लकड़ी का चित्र बना देना है, हवाई जहाज का चित्र बना देना है, मनुष्य का चित्र बना देना है, पुस्तक का चित्र बना देना है, पुल का चित्र बना देना है, नीचे से नदी गुजर रही है। इन संसाधनों को इनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखिए। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जिनका पुनः नवीकरण किया जा सकता है या जिनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है, इसके अंतर्गत सौर और पवन ऊर्जा आते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता या जिनका खजाना खत्म हो जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। मानव निर्मित संसाधन क्या है, मानव निर्मित संसाधन वे होते हैं जिनका निर्माण मनुष्य खुद करता है, जैसे पुल का निर्माण मनुष्य खुद करता है, सड़क का करता है, मशीन का करता है, वाहन का करता है। मानव का उदाहरण लोग। किसी एक उदाहरण से स्पष्ट करो कि मनुष्य के लिए एक उपयोगी संसाधन है। अगर कोई व्यक्ति या मनुष्य है और वह डॉक्टर बन जाता है तो वह आम मनुष्य के लिए वह डॉक्टर एक संसाधन शिक्षा के द्वारा बन जाता है, और संसाधन भी कैसा बन जाता है, बहुमूल्य संसाधन बन जाता है। आओ जिम्मेदार नागरिक बने, तुम अपने घर में सबसे बुजुर्ग हो, बच्चे नल खोलकर भाग जाते, तुम क्या करोगे, बच्चे अगर नल खोलकर भाग जाते हैं तो मैं उसे बंद करूंगा ताकि पानी खराब न हो। तुम्हारे
घर पर एक पेड़ है, तुम्हें ईंधन की लकड़ी चाहिए। इसके लिए तुम पूरा पेड़ काट दोगे या कुछ टहनियाँ काटोगे? क्यों? मेरे पास एक पेड़ है और मुझे ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, तो मैं पूरा पेड़ न काट कर कुछ टहनियाँ काटूंगा, क्योंकि पेड़ हमें वायु देता है, हम उसका फिर पुनः उपयोग कर सके। तुम खनन मंत्री हो, तुम्हें अपने राज्य में कोयले का खनन करवाना है। तुम सारा कोयला निकालने का आदेश दे दोगे? नहीं देंगे। तुम राज्य की जरूरत के अनुसार कोयला निकालोगे? हाँ, राज्य की जरूरत के अनुसार कोयला निकालेंगे, एकदम सारा कोयला नहीं निकालेंगे। तुम कोयला आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखोगे? हाँ, सुरक्षित रखेंगे।